का गौरव छा फिटनेस में। तो भाई लोग आज आपका भाई लेके आ गया एक टॉपिक के ऊपर बात करेगा कि पुशअप्स। भाई अब बताते हो ये पुशअप्स करो, वाइड ग्रिप, क्लोज ग्रिप, एक्सप्लोसिव पुशअप, ये पुशअप्स करो, वो पुशअप्स करो, बॉडी बनेगा, बॉडी पंप होगा। बट क्या होगा आपको पुशअप्स अगर आपसे नहीं हो पाते, अगर आप 5 पुशअप्स लगाते हो, 10 पुशअप्स लगाते हो, थक जाते हो, या फिर आप बोलते हो कि भाई 100 पुशअप्स का रिपीटेशन, 100 रिपीटेशन वाला पुशअप्स को लगाना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो कैसे अपने पुशअप्स के स्टेमिना को इंक्रीज करें और क्या क्या डाइट लें वो भी बताऊंगा, और आपको किस तरह से एक्सरसाइज करके डेली करके आप किस तरह से पंक्चुअल रहोगे डेली, तो आपको किस तरह से रिजल्ट मिलेगा और आप पुशअप अच्छे से कर पाओगे और घर पे ही अपने बॉडी को अच्छा कर सकते हो। भाई अब क्या क्या करना होगा उसके लिए, सबसे पहले बिगनर भाई जिनको पुशअप्स नहीं हो पाता, जो मतलब बिल्कुल ही पुशअप्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका पहला दिन है, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन हुआ है, पुशअप्स जिनसे नहीं हो पाता है, उनके लिए घुटने को रखो भाई ग्राउंड पे, ठीक है, सिंपल घुटने को ग्राउंड पे रखो, कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा पांव ऊपर करके एक्सरसाइज करने का, घुटने को ग्राउंड पे रखेंगे भाई, हाथ को यहाँ पे रखेंगे और पूरा जैसे सिंपल जैसे पुशअप्स लगाते हैं पूरा नीचे आने देंगे, ऑल द वे अप, इस तरह करके 10-10 रिपीटेशन लगाएंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप बोलोगे भाई इसमें अगर आप मतलब स्टार्टिंग में इस ये पुशअप्स लगा रहे हैं तो हमारा बहुत सारा बॉडी पार्ट मतलब आप ट्राइसेप्स, चेस्ट वगैरह पे कैसे काम करोगे, तो सारा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, सारा पुशअप्स अगर घुटना को ग्राउंड पे रख के ही करना चाहते हो तो सारा पुशअप, जैसे कि आप डायमंड करना चाहते हो तो डायमंड पुशअप्स भी कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है वाइड करना चाहते हो तो वाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे स्टार्टिंग में पुशअप्स सिंपल नहीं हो पा रहे तो घुटना रख के पहला तो ये करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पुशअप्स का स्टेमिना बढ़ाना है, पुशअप्स का मतलब कि जो रिपीटेशंस बढ़ाना है, तो अगर आप 10 रिपीटेशन लगाते हो, 20 रिपीटेशन लगाते हो, 30 रिपीटेशन लगाते हो, एक सेट में आप कितना लगाते हो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप एक सेट में अगर आप 10 से कम लगा पाते हो, ठीक है, या फिर 10, 11, 12, 13, 15 तक जाते हो, तो आपको क्या करना है, 7-7 रिपीटेशन का एक आपको पुशअप्स लगाना, एक सेट आपका होगा 7 पुशअप्स का, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड करोगे 7 बार में, रेस्ट लोगे फिर 7 बार, रेस्ट लोगे फिर 7 बार, रेस्ट लोगे फिर 7 बार, रखना है ध्यान रखना है ऑड में 7 पुशअप्स लगाना है, जिनको पुशअप्स बढ़ाना है 7 पुशअप्स लगाना है, 50 पुशअप्स आपका 49 पुशअप्स हो जाएगा। किस तरह से 7-7 का सेट बनाएंगे, ना 11 का, ना 15 का, ना 20 का, अगर आप 15 भी कर पाते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, 15 कर पाते हो तो भी आपको 15-16 अपने आसपास ही रहना है हर एक सेट में, अगर आप सेट लगाते हो 3-4 सेट तो, और जिनसे 10 पुशअप्स हो पाता है या फिर कम पुशअप्स हो पाता है वो 7 रिपीटेशंस का पुशअप्स का सेट बना के चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पुशअप्स अगर धीरे धीरे करके बढ़ाओगे तो आप एक्सरसाइज कैसे करें किससे पुशअप्स बढ़ेगा, ठीक है। तो सेट तैयार करना बता दिया आप लोगों को किस तरह से सेट आपको तैयार करना है, जैसे कि रिपीटेशन कम रख दो, सेट बढ़ा दो, कोई चक्कर नहीं, आपका पुशअप्स बढ़ जाएगा अपने आप ही धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। अब आपको अगर पुशअप्स का स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको ये रेंज ऑफ मोशन ये आपको सही करना पड़ेगा कि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन निकाल पाओ, ये आपको फ्लो सही करना पड़ेगा। इस फ्लो को सही करने के लिए क्या करना होगा आपको, फ्लो को सही करने के लिए तो सिंपल आपको क्या पुशअप्स लगाते हो, आप सिंपल ऊपर होल्ड करो 5 सेकंड, नीचे होल्ड करो 5 सेकंड और नीचे 5 सेकंड, अप अप, इस तरह से पूरा होल्ड करोगे तो पूरा आपका फोकस, पूरा बाजू आपका भाई तगड़ा हो क्या आएगा, पूरा बाजू पे ही फर्क पड़ेगा, बॉडी पे ही फर्क पड़ेगा। और इससे अगर आप होल्ड करके ये 5-7-10 बार भी कर लेते हो तो आपको इससे उस पुशअप्स लगाने में मदद मिलेगा, ये पुशअप्स इन पुशअप्स इंक्रीज करने में हेल्प होगा भाई। अगर आपसे सिंपल अगर आप कहते हो एक्सप्लोसिव पुशअप्स लगाना है, एक्सप्लोसिव पुशअप्स में क्या होता है, एक्सप्लोसिव पुशअप्स, ठीक है, एक्सप्लोसिव पुशअप्स वर्कआउट के बाद मैं बोलता हूँ, जो वर्कआउट हमारा ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे लगाते हैं, जैसे कि चेस्ट को ऊपर की तरफ फेंक के पूरा कटिंग के लिए तगड़ा कट वाला चाहिए तो एक्सप्लोसिव पुशअप्स हमने लगाना है भाई, ठीक है। तो वो कैसे सीखना पड़ेगा भाई, तो वो भी घुटना अगर घुटना ग्राउंड पे रख के अगर करना है वो भी घुटना ग्राउंड पे रख के ही इस तरह से सीखना है। जब सीख जाओगे पाँव पीछे करके ये इस तरह से ये सिंपल तरीके से पुशअप्स करना सीख सकते हो भाई। पुशअप्स नहीं हो रहा है कोई चक्कर नहीं है, 4 रिपीटेशन का पुशअप्स भी अगर आपसे हो रहा है तो करो 4 रिपीटेशन का ही, बट सेट रखोगे आप 5-6-7 सेट बढ़ा के रखोगे और डेली परफॉर्म करोगे, पुशअप्स से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, पुशअप्स करने से कोई नुकसान नहीं होता है, पुशअप्स आपको अच्छा रिजल्ट देगा, पुशअप्स आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट लाएगा, पुशअप्स आपके बॉडी को अच्छा निखारेगा। कैसे बढ़ाना है बता दिया,
और डाइट में क्या रखना है? डाइट में आप चना वगैरह खा सकते हो भाई, ठीक है, काला चना जो होता है, वर्कआउट जो आप पुशअप्स वगैरह कर लेते हो, जो भी आपका वर्कआउट होता है उसका चना और एक केला साथ में लेके आप खा सकते हो, ठीक है। जैसे कि तो आपका कार्ब्स इंटेक थोड़ा सा हो जाएगा, वर्कआउट के बाद प्रोटीन थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका रिकवरी हो जाएगा अच्छे से। घर पर कर रहे हो काफ़ी है इतना। और वर्कआउट करने से पहले ब्रेड है तो ब्रेड खा लो, दो ब्रेड पीनट बटर के साथ लगा के काम आपका हो जाएगा। तो ये वर्कआउट करना है, पुशअप्स करना है, तो धीरे धीरे करके बढ़ाओ पुशअप्स। आप लोग भी 100-150 पुशअप्स लगा सकते हो आसान तरीके से। अब करना क्या आपको, तो सिंपल तरीके से जो भाई स्टेप बताया है वो सारा कुछ फॉलो करना है और देखना है कि एक महीने में क्या रिजल्ट मिलता है, अच्छा मिलता है, क्या मिलता है, कैसा रिजल्ट मिलता है। तो उससे आप लोगों को अपने हिसाब से अपने अपने लिए वर्कआउट शेड्यूल तैयार करोगे और बेहतर से बेहतर अपने बॉडी को निकालोगे। तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। तब तक फॉलो करते रहो, बताना आप लोगों का कितना पुशअप्स बढ़ा है, रिप्रेशन कितना नहीं बढ़ा है, ठीक है भाई। कोई क्वेरी हो तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना गौरव फिटनेस का।